Hello, good morning student. Today we will take our next topic, divide and check the answer. We have to divide any number, after that we can check the answer. Unit 1, review exercise first A. आज हम अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट ए का टॉपिक ले रहे हैं डिवाइड एंड चेक द आंसर. हाउ कैन यू चेक योर आंसर, वी कैन सी इन नेक्स्ट एक्सरसाइज. इफ यू वांट टू चेक द आंसर, वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इफ इट इज रिमाइंडर देयर. Now, first, I want to tell you what is division. As you know, you learned it about division in previous classes. Today, we will know again what is division. Division kya hai? Division is a repeated subtraction. Division kya hota hai? Subtraction repeat karte hai hum until we got the remainder as zero. Jab tak humko remainder जीरो नहीं मिल जाता, हम डिवाइजर को डिविडेंड से तब तक रिपीटली सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं. हाउ कैन इट विल बी, यू कैन सी हियर, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फोर. डिविजन मीन्स वी हैव टू डिवाइड द नंबर. हमको नंबर तब तक डिवाइड करना है जब तक हमको जीरो एज ए रिमाइंडर के उसमें जीरो नहीं मिल जाता, अदरवाइज या हमको रिमाइंडर मिलता है दैट शुड बी लेस फ्रॉम डिवाइजर, वो डिवाइजर से कम होना चाहिए. हाउ इट विल बी, यू कैन सी हियर डिवीजन. व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन इज ए रिपीटेड सबट्रैक्शन. Now, हमको ये 28 हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर हमारा 4 है. हम इस 4 को 28 से इतने बार उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हमको 0 नहीं मिल जाएगा. यू कैन सी हियर 28 माइनस 4. 28 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट नंबर वी गेट हियर? 24 विल गेट हियर. 24 then we have to subtract again 4 from 24. 24 से हमको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है. 24 minus 4 again we got 20. अब नंबर हमारा क्या है? 24 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 20. now 20 जब तक हमको सब्ट्रैक्ट करते जाना है डिवाइजर 4 को तब तक हमको यहाँ पर 0 ना मिल जाए. how it will be, you see here now we got 20, 20 minus 4, 16, 16 minus 4, 12, then 12 minus 4, 8, we got it here 8, now I am writing this side, 8 minus 4, 4, then you 4, 4 minus 4 equal 0, we got it 0. Then how many times, now we have to put answer here. Then how many times we subtract the divisor? What is divisor here? 4. Then you can see how many times this 4 we have subtract. We are starting from subtraction from here. हमने यहाँ से subtraction start किया था. Then we will come from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 times. How many times we subtract 4 from 28? 7 times. So you can write the answer 7. 7 times we have subtract here. So that will be quotient. This is divisor and this is dividend. Another form of division. Division is a repeated subtraction. Now how can we check the answer? You see, we are taking an example. 49 49
divided by 4. 49 divided by 4. This is the sum. Now, how can we check our answer? You see here. अब हम 49 को 4 से डिवाइड करते हैं. Now, it is children always you remember that in division we start division always from largest place. Largest place से हम division start करते हैं and addition, subtraction, multiplication we start that this from smallest place, first place से. हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये हमारा वन स्पेस से स्टार्ट होता है, सबसे छोटे नंबर प्लेस से स्टार्ट होता है और डिवीजन हम सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस जो भी इस नंबर में ग्रेटेस्ट प्लेस होता है उससे हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं. हम इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑल वन स्पेस, इट इज ऑल टेंथ स्पेस. तो टेंथ में हमारा ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सा है? इधर टेंथ. सो वी स्टार्ट डिवीजन फ्रॉम टेंथ प्लेस. सो वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ फोर. हमें फोर का टेबल कितने बार रीड करना है? इट शुड नॉट बी मोर देन फ्रॉम दिस नंबर. फोर का टेबल रीड करना है वो फोर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो वी कैन रीड इट वन टाइम. फोर वन आर फोर. नाउ प्रीवियसली आई टोल्ड टू यू व्हाट इज डिवीजन. डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो वी विल सब्ट्रैक्ट. ऑलवेज इन डिवीजन वी सब्ट्रैक्ट द नंबर. नाउ फोर से फोर हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट इट जीरो. नाउ ब्रिंग डाउन 9 को नीचे लाते हैं. अगेन वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 4. इट शुड नॉट बी मोर देन फ्रॉम 9. हमें 4 का टेबल रीड करना है जो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ वी आर रीडिंग द टेबल. 4 वन्स आर 4, 4 टूज आर 8 और 4 थ्रीज आर 12. इफ वी रीड द टेबल 3 टाइम्स दैट इट विल बी मोर फ्रॉम 9 से ज्यादा हो जाएगा. So we have to read the table only 2 times. 4 2's are 8. Again we subtract it. Then we got it 1. Can we divide this number also? No, we can't divide 1 because it is remainder. हम क्यों नहीं divide कर सकते? Because it is less from divisor. ये number हमारा divisor से small है, इसलिए it will be क्या हो गई है? Remainder. Now you can see, it is our, ये क्या है हमारा divisor. This is our divisor. क्या है divisor हमारा? 4. And it is, ये क्या है? Quotient. Quotient कितना है? 12. And ये क्या था? 49. What is 49? Dividend. It is dividend and it is remainder. You can see children here, we take the sum 49 divided by 4, we divide this card dividend and this is divisor. Abhi hamare paas do cheeze hai, dividend and divisor. When we divide this number, तो हमको क्या मिला? Quotient. What we got here? Quotient. कितना quotient है? 12. Dividend हमारा क्या है? जिस number को हमने divide किया था, that which called dividend. It is 49. ये हमारा 49 है. Remainder क्या बचा था? That is 1. 1 हमारा क्या है? Remainder. ये शेष, जिसको बोलते हैं नीचे शेष है. And 4 is divisor. 4 हमारा क्या है? Divisor. Now, how can we check our answer? We did wrong or right. हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने अपना जो सम है वो रॉन्ग किया है और राइट किया है? You can see here, I write a formula. Dividend equal to quotient multiplied by divisor plus remainder. If remainder is there, तो हमको रिमाइंडर ऐड करना है. अदरवाइज इफ यू गॉट रिमाइंडर एज अ जीरो, नो नीड टू राइट रिमाइंडर. तब हम रिमाइंडर लिख ही नहीं सकते बिकॉज वी गॉट इट जीरो. देन हाउ कैन वी चेक? अगर हमारे यही सेम आ जाता है डिविडेंड फिर से इस फॉर्मूला के रखकर, देन आवर सम इज, आवर सॉल्यूशन इज राइट. तो डिविडेंड हमारा क्या था? 49.
Now we have to find out dividend. हमने अपना डिविडेंड क्या लिया था यहाँ पे 49. अगेन वी गॉट दिस नंबर. हमको फिर से नंबर अगर हम इसके अनुसार रखे सॉल्व करते हैं देन वी गॉट अगेन दिस नंबर. हाउ कैन इट इज यू कैन सी हियर क्वोशेंट. क्वोशेंट क्या है हमारा यू कैन सी हियर व्हाट इज क्वोशेंट 12. क्वोशेंट कितना है 12. मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइजर से. डिवाइजर व्हाट इज हियर 4 प्लस रिमाइंडर है. यस वी हैव रिमाइंडर हियर डाउन साइड. व्हाट इज रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना हमारा 1. सो वी सॉल्व दिस 12 को द 48 प्लस 1 रिमाइंडर देन 48 प्लस 1 49. चिल्ड्रन यू कैन सी हियर वी अगेन वी गॉट दिस डिविडेंड व्हिच वन राइट अबाउट. जो हमने ऊपर लिखा है again we got same dividend so we can see our division is right. And another example we have taken. Then
we can check our answer by doing this formula. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम नंबर्स रख के हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं. अगेन अगर हमको यही नंबर 297 वी गॉट इट अगेन देन वी डिड राइट. नाउ क्या था हमारा फॉर्मूला, कोशेंट क्यू फॉर कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिविजर डिवाइजर डी फॉर डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. बट रिमाइंडर हमारे पास है नहीं यहाँ पे, दिस टाइम वी हैव टू नो नीड टू राइट रिमाइंडर. This time only quotient multiplied by divisor. But if you want to write remainder, you can write it. But you have to put the zero here. अगर आपको remainder लिखना है, you can write it. But you have to put the zero in place of remainder because we don't have any remainder downside. हमारे पास कोई remainder नहीं है, तो हम वहाँ पर zero add कर सकते हैं. Now what is quotient? The answer of division. Answer of division is called quotient. तो क्या था हमारा quotient? इस सम में हमने जब solve किया, what quotient we got here? 99 multiplied by divisor. Divisor कितना था हमारा? 3 and plus remainder. You can see here we got it remainder as 0. Remainder हमको कितना मिला था? 0. तो we no need to write 0, so we can leave that. Now, what we do next? We have to multiply these number both 9 3 27 to carry 9 3 27 plus 2 29. You can see here the dividend is 297. Again, we got 297 dividend. So it means our division is right. Students, you can check always your division by doing that. But for that, you have to learn this. उसके लिए आपको ये learn करना पड़ेगा. Dividend equal to dividend equal होता है quotient multiplied quotient को multiply करते हैं divisor से plus remainder. उसमें remainder add कर दिया जाता है. If remainder there, अगर remainder वहाँ पे है, then we can add. Otherwise, we have to leave the remainder. Now I'll give me some. Suppose 56. Now you have to solve and check your answer. This is the division sum 56. This is the sign of division. You can see here. This is the sign of division. This is the division sum. You divide this number. After that, you can check your answer. How it will be? You see here, 4, the table on 5 is always, you know, it will start from largest place. But we have to read the 4 table. It should not be more than 5. 5 se jyada nahi hona chahiye. So we read only one time. 4 ones are 4. Again, subtract. Kya? We got it here 1. We have to bring down 6. 6 को नीचे लाना है, because then the next number is 6. So bring down 6. Now 4 4s are 4 1s are 4. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 4 4s are 16. You can see here we got it 0. Now dividend you have to write that. Which one I have given in worksheet. जो मैं वर्कशीट में दे रहे हूँ, you have to do like that. Dividend. Dividend हमारे क्या है? जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, that call dividend. जिसको हमको डिवाइड करना है, that call dividend. तो dividend कितना है? 56. Now we have to write here 56. After that, here quotient multiplied by divisor plus remainder equal. This means for quotient multiplied by divisor. A quotient kya hai isme? This one. The answer of division. Answer of division is called quotient. Quotient is 14. Divisor जिससे हमने divide किया है वो number क्या है? That is 4. And remainder we
got 0 as a matter, so we can put here, otherwise no need to put the 0. And now we can solve it. 14 goes on 56, 14 ka table, 4 times. That's why student, I am telling again this, you have to learn the table. Aapko table learn karna hai. Because so many times you need to read the table. Aapko table read karne ka need hoga. Now 14 goes on 56 plus 0. Same answer we have got 56. Now you can see our dividend was 56. Hamara dividend kitna tha? 56. Again we got by checking this, got again 56 as a dividend. Now children, you have to learn the table also up to 15. Now this time you learn multiplication table up to 15. Learn the table from 2 to 15. ये आपका assignment भी है. You have to learn the tables. आपको table compulsory है. You have to learn it. Student, I hope you will understood it. Now in next class, we will do our next exercise.